जो अभी मैंने किया बेबी फ्रीज था, और बेबी फ्रीज करना बहुत इजी है, सो ये कैसे करता है वो बता दो। यो गाइस, व्हाट इज अप, दिस इज मी विनोद पुन। सो आज मैं सिखाने वाला हूँ बेबी फ्रीज। बेबी फ्रीज एक बीबर का मूव है, या आप बोल सकते हो ब्रेक डांस का भी एक मूव है। सो बेबी फ्रीज को बेबी फ्रीज इसलिए कहते हैं क्योंकि बेबी फ्रीज काफ़ी ईजी होता है, वो हर एक फ्रीज का एकदम बेबी वर्जन है, मतलब एकदम ईजी फ्रीज है, इसके लिए इसको बेबी फ्रीज कहते हैं। सो ये बहुत ईजी होता है और ये कोई भी कर सकता है। मैं बताने वाला हूँ अभी ये कैसे होता है। सो एक बार मैं करके दिखाऊंगा और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ ये इसके स्टेप्स कैसे हैं और कैसे किया जाता है। और आप ये एक दिन में सीख सकते हो या तो एक अटेम्प्ट में सीख सकते हो, अगर आपका आर्म स्ट्रेंथ है उतना उठाने के लिए। सो एक बार मैं दिखा देता हूँ बेबी फ्रीज क्या होता है। ये है बेबी फ्रीज, ठीक है, ये है बेबी फ्रीज। अब इसको करना बहुत इजी है, बट इसके लिए थोड़ा आर्म्स पे प्रेशर आता है, तो आर्म्स आपका स्ट्रांग चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा बिफोर डूइंग बेबी फ्रीज आपको थोड़ा सा रिस्ट रोटेशन करना पड़ेगा और स्ट्रेच करना पड़ेगा अच्छे से। अभी ये भी एक स्ट्रेच करो, दोनों पाम्स नीचे रखो और ऐसे आगे शिफ्ट हो, टिल्ट हो, फिर ऐसे रखना हाथ और लेफ्ट राइट, और फिर ऐसे रख के पीछे, सो अभी जो एक्सरसाइज मैंने बताया है, जो स्ट्रेचिंग मैंने बताया है, ये हर एक आप 15 से 20 काउंट कर लेना। और फिर होने के बाद बेबी फ्रीज का जो फर्स्ट स्टेप है, आपको हाथ ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे ऐसे नहीं ना, ऐसे ऐसे रखोगे साइडवेज, ऐसे साइडवेज रखना है, आपका जो लेफ्ट लेग ऐसा रहे, और ऐसे हाथ रखना है और ऐसे बैठोगे। और एक बार पहले सीधा दिखाता हूँ, फिर साइड से ऐसे बैठोगे, आपके दोनों एल्बोज के ऊपर आप रेस्ट करना लो पूरा बॉडी को, तो ऐसे दिखेगा वो, ठीक है। आपके पूरे एल्बोज पे आपका पूरा हिप से और थाई से आप वेट उठाओगे, और आपके हेड के वेट से आपको नीचे की तरफ जाना है, सीसॉ की तरह, ऐसे 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 ऐसे। एक बार ये हो जाएगा तो आप इस पे बेबी फ्रीज में बहुत सारे टाइप्स होते हैं अलग अलग, वो टाइप्स में बताता हूँ। बट इससे पहले ये बेबी फ्रीज करना बहुत ईजी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट कोई भी अटेम्प्ट में हो सकता है। ये बेबी फ्रीज जो है, आप एक बार, जरूरी नहीं है कि आप डांसिंग बैकग्राउंड से ही हो या आप ब्रेक डांस करते हो, बी बॉय करते हो, तो ये आना चाहिए। आप नॉर्मली कोई भी ऐसे बैकग्राउंड, कोई भी कर सकता है, स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, या जो ऑफिस जाता है, या जो वर्क कर रहा है, या जो फिफ्थ में या फिफ्थ के नीचे है क्लास में, कोई भी कर सकता है, इसका कोई एज नहीं है। इसके लिए इसको बेबी फ्रीज कहता है। ये बहुत ईजी है और ये कोई भी कर सकता है, एज डजंट मैटर, वैसे भी करने की चाह तो नहीं चाहिए बस। तो साइडवेज दिखा देता हूँ एक बार कैसे दिखेगा। एक दिन में सीख लो और फिर बाद में स्टोरीज डालना, या कहाँ पे भी जाओगे तो ये पोस्ट करके फोटो भी ले सकते हो। सो अभी मैं आपको इसके थोड़े टाइप्स दिखाता हूँ। एक बार आप बेबी फ्रीज सीख जाते हो तो 3-4 कुछ टाइप्स है जो आप कर सकते हो और काफी कूल लगता है। सो एक बार आप बेबी फ्रीज सीख जाओगे तो उसके बाद फिर आपको अपने लेग्स, और फिर एक बार आप बेबी फ्रीज सीख जाओगे तो उसके बाद बस आपको पाव के साथ खेलना है, ऐसे ऐसे करो, या सीधा रखो, या ऐसे फोल्ड करो, या zigzag मारो, कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। सो कीप लर्निंग एंड कीप enjoying, हैव अ ग्रेट डे। और कमेंट में बताना कौन फर्स्ट अटेम्प्ट में सीखा, सेकेंड अटेम्प्ट में सीखा, या कितना अटेम्प्ट में सीखा। एक दिन में तो सीख ही जाओगे। चलो बाय गाइज, हैव फन, enjoy, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।